दीदी। आज मैं सोच रही कुछ आलू के पकोड़े की रेसिपी लेके आऊँ आपके लिए। तो मैंने सोचा हरा धनिया तोड़ लेते हैं, तो आलू के पकोड़े नहीं आलू चाप। तो कैसे बनाते हैं घर पर दिखाते हैं। सबसे पहले हम तोड़ लेंगे हरा धनिया। ये काई के फूल है, ये मूली है, मूली में बीज आ गया है फूल, तो ये लगी है इसमें फली। इसकी रेसिपी लेके आने वाली हूँ फली की। तो फली की सब्जी बहुत अच्छी होती है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। इसको रोटी के साथ बनाते हैं। और ये फली कब होती है, जब मूली बोते हैं, मूली जब फूल आने लग जाता है उसके बाद फली लगती है दोस्तों। ये देख कैमरामैन, तो इसके अंदर बीज भी होता है। तो हरे हरे तोड़ के दिखाएंगे हम इसकी आपको सब्जी। तो जब तक फूल लग रहा है तो हम तोड़ रहे हैं हरा धनिया, बनाते हैं अपनी रेसिपी। हरा धनिया मैंने तोड़ लिया है दोस्तों। आज बहुत धूप लग रही है, सूरज भगवान जी ऊपर है बिल्कुल। आज ऐसा लग रहा है कि इतने धूप लग रही है। मैं इसमें दाने जैसे क्या आ रहे हैं अब। यह है कड़ी का कड़ी यह है कड़ी पत्ता, इसमें फूल आने लग गया है, बीज आएगा इसका। जब ये बीज हो जाता है तो बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं, झड़ता है ना ये। तो कड़ी पत्ते की भी चटनी बनती है दोस्तों, आपको मैं बताते रहती हूँ कुछ ना कुछ। कड़ी पत्ते की चटनी चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट करना, मैं लेके आऊँगी आपके लिए। और हम खाते रहते हैं, इसकी चटनी बहुत अच्छी होती है। पहले क्या होता है जंगलों में, पता है ये बहुत सारे पेड़ होते थे, हम सोचते थे खाली क्या है ये। तो इसकी बिल्कुल गुणकार रेसिपी है ये, तो अपने शरीर के लिए भी बहुत अच्छी होती है ये। आलू चाप बना रही हूँ इसलिए उसके लिए बना रही हूँ मैं चटनी, चटपटी सी। कौन सी चटनी है ये? है पुदीने, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अच्छा। लहसुन तो पीस रहे हैं, इसकी बना रहे हैं हम चट्टी। चट्टी इसकी बना रहे हैं चटनी। ये कैमरामैन के सामने आके मैं आजकल पता नहीं पागल हो जा रही हूँ, क्योंकि धूप में तो अपना ले रहता छाता और मुझसे और पटांग पूछते रहता है। दोस्तों कोई इसको समझाओ तो कोई। चलो मैंने सोचा होली तो चल ही रही है, दोस्तों के लिए आप कुछ बनाओगे, इसलिए मैं आपके लिए कुछ ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो आपके पड़ोसी भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश जाओगे होली में। तो सबसे पहले ले रखा है मैंने ये जीरा, धनिया, राई, काली मिर्ची, इसको हम कूट लेंगे दरदरा। और ये ले रखे मैंने उबले हुए आलू, इनको छील लेंगे। हरी मिर्ची ले रखी है, हरा धनिया, कड़ी पत्ता। तो सबसे पहले हम उबले हुए आलू को छील लेंगे और इस जो हमारा धनिया, जीरा, राई है इसको कूट लेते हैं। बस इसको दरदरा कूटना है और आलू को छील लेते हैं, मसाले को कूट लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको चाप कैसे बनाई जाती है। आग हमारी अच्छी से जल गई है, अब चढ़ाते हैं हम कढ़ाई। कढ़ाई को होने देते हैं गरम, इसमें डालेंगे हम तेल। तेल को कर लेते हैं गरम, तेल हम ज्यादा नहीं डालेंगे, खाली आलू को हम फ्राई करने के लिए। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, हमने ले रखे हैं कड़ी पत्ता, इसको डाल देंगे इसमें। देखिए कड़ी पत्ता हमारा तड़क गया है। अब ले रखा है मैंने हरी मिर्ची, इसको काट लेते इसको डाल देंगे। तो बारीक काट के मैंने हरी मिर्ची को डाल दिया है मैंने तेल में, अच्छे से पत्तों के साथ इसको पकाते हैं। तो मैंने कूट लिया है मसाला, देखिए राई, जीरा और धनिया, इसको भी डाल देंगे इसमें। काली मिर्ची भी डाल रखी है हमने 1.5 चम्मच। इन मसालों से फीलिंग हमारी बड़ी स्वादिष्ट होगी। अब क्या करने वाली हूँ मैं, इसमें डाल देंगे आलू फोड़ के, ऐसे हाथों से फोड़ के, सब आलू को फोड़ के डाल देंगे इसमें। आलू हमने डाल दिए हैं, हम डाल देंगे इसमें मसाले। तो लाल मिर्च डालेंगे इसमें चटपटे के लिए, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, और लेंगे थोड़ा जीरा, जीरे से भी बहुत अच्छा खुशबू आती है। अच्छे से करते हैं इसको मिक्स, करछी से ऐसे भून लेंगे इसको, मतलब चूरा बना देंगे इसका। अच्छे से पकाते हैं आलू में, जब तक खुशबू ना आए तब तक पकाएंगे हम इसको। खुशबू आने लग गई है, खूब अच्छे से इसको ब्राउन करना पड़ता है। जैसे खूब हम टिक्किया बनाते हैं ना, खूब अच्छे से ब्राउन हो जाती है तो वो कितनी स्वादिष्ट होती है, तो इसी तरीके से हम भी इसको ब्राउन करने वाले हैं। खूब घुमाते, ऐसा नहीं कि जल जाए, और घुमाते घुमाते हम 10-5 मिनट इसको पकाएंगे। फीलिंग बन के हमारी हो गई है तैयार। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया।
हरा धनिया काट रखा है इसमें डाल देंगे, अच्छे से हरा धनिया को मिला लेंगे। फिलिंग को निकाल देंगे। मैं तो ऐसी खाने वाला हूँ आलू। बस कैमरामैन के मुंह से छूट गई है, ऐसी खाने वाला हूँ। आज पकोड़े बनाएंगे इसके, चाप। आज पहली बार चाप बना रही हूँ मैं। और यहाँ मेरी भतीजी आई है, इसने बताई मुझे, बुआ चाप बनाओ चाप बनाओ। गेरी आलू हमारे ठंडे हो रहे हैं, बनाएंगे बेसन का बैटर। तो कैसे बनाते हैं, ये ले रखा है मैंने बेसन, 4-5 चम्मच ले लेंगे। अगर कम पड़ेगा तो दोबारा से बना लेंगे, पर हम 4 चम्मच ले रहे हैं बेसन। अब लेंगे चिल्ली फ्लेक्स चटपटा करने के लिए, स्वाद अनुसार नमक, नमक डालेंगे। आलू में भी नमक है, हाँ ठीक ठाक डालना है बस। अब इसका एक गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे पानी डाल के। सिंपल सी रेसिपी है, कोई ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। तो इधर मेरी पोती भी आ चुकी है, बस पानी की प्यास लगी है, इसको पानी पी रही है ये। थोड़ा सा बेसन और डालेंगे हम इसमें। हाय तो कह दो, आजकल नाराज क्यों हो गए आप? उधर सामने देखो, कह रही वीडियो बन रही है। अरे ए, ओहो क्या बात, जितनी बड़ी अपना नहीं है उतनी बड़ी बोतल पकड़ की है पानी पीने के लिए। हाय हेलो कहा। अरे एक चम्मच आलू की फिलिंग लेंगे और इसकी बना लेंगे बॉल। तो देखिए इस तरीके से हम बॉल बना लेते हैं। और इधर हमारा तेल हो रहा है गरम, बाउल को बना के रख लेंगे, उसके बाद फटाफट बनाते रहेंगे। बैटर भी तैयार है, आलू बॉल बन के तैयार हो गई है हमारी। अब करेंगे हम आलू की बॉल को इसमें डिप बेसन में ऐसे करके, और सीधे डाल देंगे हम तेल में। ये देखिए इस तरीके से छोड़ देंगे। तो एक एक करके हम सब बॉल को बैटर में डाल के तल लेते हैं। ज्यादा नहीं डालेंगे, 4-5 डालेंगे। अब इनको हल्के हल्के करके पलट देंगे। ये देखिए क्या शानदार बन रहे हैं दोस्तों। तो ऐसी आप जरूर घर पर बनाना मेरे तरीके से। अगर ज्यादा ही कम हो जाएगी तो फिर तेज आंच कर देंगे, क्योंकि हमने अच्छे से पकाना है इनको, अंदर तक पकने चाहिए। तो कितने बड़े हो गए हैं देखिए, फूल के शानदार। तो इनको थोड़ा सा और पकाते हैं इनका कलर चेंज होने तक। तो आलू चाप बन के हो गई है तैयार, इनको निकाल देंगे। क्या जबरदस्त बनाए हैं। तो आ गया ना मुंह में पानी। तो देखिए आलू चाप बन के हमारे तैयार हो गए हैं, क्या शानदार बने हैं दोस्तों। ये बना रखी है मैंने हरे धनिया की पुदीने की चटनी। तो ये चटनी से बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको प्लेट में रख के इस तरीके से दही डाल के भी खा सकते हो, और ऐसे चटनी लगा के भी खा सकते हो। बहुत टेस्टी रेसिपी है ये। होली के दिन जरूर बनाना दोस्तों, अपने दोस्तों को और परिवार को भी खिलाना। बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी दोस्तों? रेसिपी पसंद आई तो लाइक फॉलो करना, मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब करना। खूब बढ़िया हो रहे हैं, ऐसे तोड़ेंगे इसको। वाह, और अंदर से कितनी बढ़िया करके पका है। ऐसे चटनी लगाना।